तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो एग्जाम हुई थी 22 फरवरी को, उसमें तीन शिफ्ट में जो पेपर हुए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको गलत लग रहे थे या कुछ क्वेश्चंस गलत आए हैं। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन का एक फॉर्म दिया था, ऑब्जेक्शन का एक ऑप्शन दिया था, जिससे आप ऑब्जेक्शन लगा के यदि गलत है तो उसको करेक्ट करवा सकते हो। तो उसके लिए आपको 7 दिन दिए थे। तो 7 दिन अब आपके कब खत्म होने वाले हैं, कब तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एग्जाम में, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी 22 फरवरी को एग्जाम हो चुकी है, तीन शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे, पेपर आपका मॉडरेट लेवल का एकदम आया था। होप्स आपके पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। कुछ कुछ शिफ्ट में ये सुनने को आया है कि क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन गलत थे उसको सही करने के लिए ऑब्जेक्शन का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑप्शन दिया था आपको, जो 23 तारीख को आपके आंसर की आई है। यदि आप आंसर की सही से देखोगे तो आंसर की के सबसे लास्ट में आपको एक फॉर्म दिया है ऑब्जेक्शन फॉर्म। उस ऑब्जेक्शन फॉर्म में फुल्ली डिटेल्ड करके आपको डाल देना है कौन सा क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है और आपका जो भी रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी है, आपको फुल्ली डिटेल्ड अच्छे से पढ़ के उसको ऑब्जेक्शन फॉर्म को फिल करके बाय पोस्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर पे भेजना है, ठीक है। ये तो हो गया ऑब्जेक्शन का। यदि आपको कोई सा भी तीनों शिफ्ट में यदि क्वेश्चन गलत लग रहा है तो वो आपको भेज देना है। बचता है कि कब तक आप भेज सकते हो, तो आपको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 23 तारीख से आपको 7 दिन दिए थे। तो 7 दिन आपके आज हो गए, ये 1 मार्च और कल है 2 मार्च। तो आज 6वां दिन है, कल है 2 मार्च। तो 2 मार्च तक आप बाय पोस्ट आपका जो ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है वो अभी भी भेज सकते हो। यदि आप कल 2 मार्च को भी ऑब्जेक्शन वाला फॉर्म भेजोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट वाले। तो आपका यदि मतलब ऑब्जेक्शन सही निकलता है तो वो क्वेश्चन आपका जो है वो सही होगा, आपका भी सही होगा, और जितने बच्चों ने उस क्वेश्चंस पे यदि सही गलत लगाया है तो ऐसे नंबर मिल जाएगा, और यदि उन्हें सही लगाया है तो उस ऑब्जेक्शन का वो भी उसको सही नंबर मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट डिसाइड करेगी। यदि क्वेश्चन गलत होता है तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट करेगी कि मतलब एक नंबर कम करना है या फिर जिन बच्चों का सही है उनको गलत करना है या जिनका गलत है उनका सही करना है। तो ये सारे चीज वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एडजस्ट करेगी यदि कोई ऑब्जेक्शन में गलत होता है। तो आपने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है तो कल आपकी लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन फॉर्म की। अब ऑब्जेक्शन फॉर्म आपको जो आंसर की आई है उसके लास्ट में आपको मिल जाएगा। अभी भी आपके मन में डाउट है कुछ तो ऑब्जेक्शन फॉर्म की जो फॉर्म है वो 23 तारीख वाले आंसर की में आप जाके वहां से डाउनलोड कर लो और वहां से फॉर्म भर के और जो भी उसमें डिटेल्ड मांगी है उस डिटेल्ड मांग के पोस्ट बाय पोस्ट आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में कर सकते हो, ताकि आपका जो क्वेरी और क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो जाएंगे ऑब्जेक्शन वाले। तो यही समझाना था, होप्स आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।